हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज धीमान राजेश धीमान में। आज हम सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द सीरीज सीखेंगे। हमारे पास एक एग्जांपल है, 5 + 11 + 19 + 25 एंड सो ऑन। तो इसको सम कैसे करना है, देखिए ये अभी ना तो एपी है ना जीपी है। अगर एपी होती तो किसी भी टर्म से हम उससे पीछे वाली टर्म को माइनस करते तो हमें सेम डिफरेंस मिलता। अगर जीपी होती तो किसी भी टर्म को उससे पीछे वाले टर्म से डिवाइड करते तो हमें सेम नंबर मिलता। यहां पर अगर इस टर्म को इसे माइनस करेंगे, इसको इसे माइनस करेंगे तो हर बार सेम नंबर नहीं मिल रहा है, डिवाइड करने के बावजूद भी नहीं मिल रहा है। ना तो ये एपी है ना जीपी है, तो इसको सम कैसे करना है। फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एस एन लिख लेते हैं, उसके बाद फिर से यही टर्म को दोबारा लिखते हैं। लेकिन कब लिखते हैं दोबारा, जब इन सब में सेम डिफरेंस जो है वो किसी पैटर्न में हो रहा हो। जैसे देखिए, 5 और 11 के बीच का डिफरेंस है 6, 11 और 19 के बीच का डिफरेंस है 8, 19 एंड 29 के बीच का डिफरेंस है 10, 29 और 41 का डिफरेंस है 12, 51 55 का डिफरेंस है 14। देखिए, अब 6 + 2 + 2 + 2 + 2, अब ये एक पैटर्न बन रहा है। तो इस टाइप की जो सीरीज है उसको कैसे सोल्व करते हैं, हम इसी टर्म को दोबारा से लिखते हैं। लेकिन कैसे, अब ये जो पहली टर्म है उसकी जगह खाली छोड़ देते हैं और इसको स्लाइड कर देते हैं, थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। यहां पर दूसरी टर्म के नीचे पहली टर्म, ऐसे 5 + 11, दूसरी टर्म तीसरी टर्म के नीचे 19, प्लस ये 19 29 के नीचे, प्लस 29 41 के नीचे, इसी तरह से 41 50 41 आएगा 55 के नीचे, एंड सो ऑन। अगर ये nth टर्म है और इससे पहले n-1 टर्म, इसको भी ऐसे ही शिफ्ट करेंगे। यहां देखिए, इसके बाद लास्ट में हम जो लिखेंगे वो यहां इसके नीचे आएगी, an-1, क्योंकि ये टर्म शिफ्ट हुई है और an लास्ट टर्म चली गई आगे। यहां नीचे ब्लैंक रहा और यहां पर खाली है, लास्ट टर्म यहां पर जो है उसके नीचे ऐसे आया an। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, इसको नंबर 1 इसको नंबर 2 दे देंगे, फिर 1 - 2, पहली से दूसरी को माइनस करेंगे तो SN - SN हमें मिलेगा 0, फिर 5 - 0 है यहां पर देखिए, तो यहां मिला हमें 5 + 11 - 5 6 मिला, 19 - 11 8 मिला, 29 - 19 10 मिला, फिर 41 - 29 12, इसी तरह से। अब यहां से इस टर्म से ये माइनस होगी तो an - an-1 प्लस यहां 0 माइनस, तो लास्ट में हमें मिलेगा -an। अब इस an को शिफ्ट करके यहां ले जाता हूं मैं, an = 5 प्लस, ये यहां से लेकर आगे तक वैसे ही लिख देंगे, 6 + 8 + 10 + 12 प्लस सो ऑन an - an-1। इसके बाद क्या किया हमने, देखिए यहां से लेकर यहां तक हमें कॉमन मिलेगा 2, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो यहां से मिलेगा 3, यहां से 4, यहां से 5, आगे 6, कहां तक n-1 टर्म रह जाएंगी, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक तो ये n टर्म्स हैं, एक टर्म हमने एक्स्ट्रा इसको अलग कर लिया है, उसके बाद ये n-1 टर्म्स रहेंगी। अब ये जो टर्म है ये है एपी में, क्योंकि यहां पर डिफरेंस आ रहा है 1 का और फर्स्ट टर्म है यहां पर 3, तो ये एपी है। एपी को सम करने का फॉर्मूला है SnN/2 (2a+n-1)(d). तो an = 5 की जगह 5 एज इट इज रहेगा, 2 × n, n जो है यहां पर n-1 से रिप्लेस हो जाएगा, n - 2 × 2 × a, a है 3, प्लस n की जगह n-1 फिर -1, देखिए यहां पर n-1 -1 ऐसे आ गया,
इंटू वन, तो ये टू टू कैंसिल हो गया, हमें मिलेगा फाइव प्लस एन माइनस वन, और यहां से सिक्स प्लस एन माइनस टू, तो सिक्स माइनस टू फोर प्लस एन, और फिर फाइव प्लस, जब हम यहां इससे साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा फोर एन प्लस एन स्क्वेयर माइनस फोर माइनस एन, और फिर एन स्क्वेयर, यहां से एन स्क्वेयर ही आ गया, फोर एन माइनस थ्री एन बनेगा, और माइनस फोर प्लस फाइव से वन मिल जाएगा। सम के लिए फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू समीशन के इज इक्वल टू वन टू एन ऑफ ए के, यहां पर एन को रिप्लेस कर देंगे के साथ, तो ये बन जाएगा समीशन के फ्रॉम वन टू एन, ए एन की जगह ए के बन जाएगा, तो यहां मिलेगा हमें के स्क्वेयर प्लस थ्री के प्लस वन, और फिर एस एन इज इक्वल टू, यहां अलग अलग कर देंगे इसको, एन के इज इक्वल टू वन के स्क्वेयर प्लस समीशन के इज इक्वल टू वन टू एन थ्री के प्लस समीशन के इज इक्वल टू वन टू एन ऑफ वन। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमें, फॉर्मूला है समीशन एन स्क्वेयर, समीशन एन स्क्वेयर ये बराबर होगा एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन ओवर सिक्स, और समीशन एन किसके बराबर होता है, एन इंटू एन प्लस वन ओवर टू, तो यहां लिख देते हैं समीशन के स्क्वायर की जगह है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन ओवर सिक्स प्लस थ्री बाहर ले लेंगे, तो बचेगा हमारे पास फिर समीशन के, और ये फॉर्मूला है, ये मिलेगा एन इंटू एन प्लस वन ओवर टू, और समीशन के इज इक्वल टू वन टू एन, ये वन को हमने एन बार ऐड किया है तो हमें मिलेगा एन। अब इस सारे को हम सोल्व करेंगे, देखिए डिनोमिनेटर में यहां पर सिक्स है, यहां पर टू है, यहां पर वन है, तो सिक्स इंटू सिक्स, इसको हम थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां भी थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब एन ओवर सिक्स हम कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा एन प्लस वन, यहां से मिलेगा टू एन प्लस वन प्लस, ये सिक्स हमने कॉमन ले लिया यहां पर, ये सिक्स भी कॉमन है, ये सिक्स भी डिनोमिनेटर में कॉमन है, तो डिनोमिनेटर खत्म हो गया, यहां से मिलेगा नाइन, एन हमने कॉमन ले लिया है तो नाइन इंटू एन प्लस वन, और यहां से कॉमन ले लिया है एन भी, तो यहां पर बचेगा सिक्स। अब इसको सोल्व करना है तो एन बाई सिक्स बाहर रहेगा, यहां से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन से जब मल्टीप्लाई करेंगे टू एन स्क्वेयर प्लस एन, वन से मल्टीप्लाई करेंगे टू एन प्लस वन मिलेगा, यहां से नाइन एन प्लस नाइन प्लस सिक्स, और फिर ये देखिए इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा टू एन स्क्वेयर, फिर वन प्लस टू थ्री प्लस नाइन ट्वेल्व एन, और वन प्लस सिक्स प्लस नाइन, यहां से हमें मिल जाएगा सिक्सटीन, हम यहां से टू कॉमन ले लेंगे एन बाई सिक्स इंटू, जब टू कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा यहां से एन स्क्वेयर प्लस सिक्स एन प्लस एट। अब इसके हम फैक्टर बना लेंगे, इसके बाद टू से सिक्स को कैंसिल करके हमें डिनोमिनेटर में थ्री मिलेगा, अब फैक्टर बनेंगे इसके एन प्लस टू एन प्लस फोर, वो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये था आज का वीडियो समिंग द सीरीज के बारे में, आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो अगर आपने हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देखा है तो हमारे पेज को फॉलो करें और लाइक करें, धन्यवाद।